कोंडागांव जिले के पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के साथ अन्य पुलिस अधिकारी एवं 100 जवानों द्वारा शहर में पैदल फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान शहर की मुख्य चौक चौराहों सहित नेशनल हाईवे में पैदल मार्च किया गया। इस दौरान कोंडागांव शहर के साथ ही जिले के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस ने पैदल फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस के द्वारा किए गए फ्लैग मार्च से असामाजिक तत्वों को यह संदेश दिया गया कि यदि कोंडागांव जिले में किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था बिगड़ती है तो इस दौरान संबंधितों से सख्ती से निपटा जाएगा एवं पुलिस द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च के दौरान एसपी श्री दिव्यांग पटेल ने भीड़भाड़ वाले चौक चौराहों को चिन्हित कर उक्त स्थान पर पुलिस के जवानों का निर्धारित फिक्स पॉइंट पर ड्यूटी लगाने निर्देशित किया एवं थाना प्रभारी कोतवाली को अतिरिक्त बल के साथ प्रतिदिन पेट्रोलिंग करने निर्देश दिए, जिससे शहर में कोई अप्रिय घटना ना हो एवं शांति और कानून व्यवस्था कायम रहे। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस की टीम ने थाना कोतवाली से पैदल मार्च करते हुए जयस्तंभ चौक होते हुए रायपुर नाका तिहारा से वापस बस स्टैंड होते हुए शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण किया। पैदल मार्च के दौरान पुलिस कप्तान एवं अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों से भी चर्चा की गई। कोंडागांव जिले में पूरे जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए कोंडागांव पुलिस के द्वारा सभी नागरिकों को अपील की जा रही है। साथ ही में कोंडागांव जिले के हर नगर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और सबसे हमारी अपील है कि हमारा जिला जो कि शांतिपूर्ण जिला है, हमेशा हमारे जिले में शांति बनी रही है, आगे भी हमारे जिले में शांति का वातावरण बना रहे। पुलिस हर प्रकार से तैयार है। हमारी सबसे अपील है कि पूरे जिले में शांति का माहौल बना रहे, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई गलती कोई लापरवाही होगी पुलिस के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वो पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। शुक्रिया। कोंडागांव से राजशाह दूसरी जीवन टीवी।